Hey, welcome to Dubai. No. Hi, what are you making? Is this chicken or pork? सर्विसेज होती हैं, बस सर्विसेज तो हम लेने वाले हैं। आज हम जा रहे हैं सेंट पॉल सर। गाइस वेटिंग फॉर द बस। एक तो ना यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम मिलती है, बट हमें कोई यहाँ पर स्टाफ में कोई नेपालीज मिल गए थे, तो उनसे हमने पूछा है, तो हमें पता लगा है कि यहाँ से बस जाने वाली है पाँच मिनट में आएगी शायद बस यहाँ से, एंड देन वी आर गोइंग टू सेंट पॉल चर्च। यहाँ से लेने वाले हम बस गाइस। थैंक्स टू दिस मैन जो हेल्प कर रहे हैं हमारी, थैंक यू। वेलकम ऑन बोर्ड कोथाई शटल बस, आवर डेस्टिनेशन इज मकाओ फेरी टर्मिनल। ये वो होगी ना, नहीं तो हॉट पॉट फेस्टिवल है कुछ। ओपन नाइट बस। अभी हम बस में बैठ गए हैं और यहाँ पर ना फ्री शटल बसेस चलती हैं हर होटल से, कोई भी होटल में आप जाओ, मतलब किसी भी होटल में भी जा सकते हो आप, नहीं तो जहाँ पर आप स्टे कर रहे हो फ्री शटल बसेस चलती हैं। क्योंकि टैक्सीज वगैरह यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव है और कोई ना कोई टैक्सीज की ऐप नहीं है, जैसे इंडिया में होती है ऊबर, ठीक है, तो ऐसा कोई ऐप नहीं है। ऐप है, कौन सी ऐप है? ऐप है, मेरे को पता नहीं था, ऊबर है यहाँ पे। टैक्सीज प्राइवेट टैक्सीज भी आप कर सकते हो, बट दोज आर रियली एक्सपेंसिव, सो बेटर है क्यों पैसे वेस्ट करना उसमें। शटल बसेस चलती हैं, आपको जहाँ भी जाना है वहाँ से आप वहाँ के लिए शटल बस लो, एंड देन वहाँ से अगर एक और बस लेनी है या वॉकिंग डिस्टेंस है सो यू कैन वॉक, क्योंकि वेदर तो बहुत ही अच्छा हो रहा है वहाँ भी, तो किसी भी होटल के हम शटल बस यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं आज। तो हम सबसे पहले जाने वाले हैं आज सेंट पॉल चर्च। तो ये ना काफ़ी पॉपुलर चर्च है, जितना मैंने पढ़ा वो मैं बता देती हूँ आपको। ये कितना पुराना तो काफ़ी पुराना चर्च है गाइस, मैं नीचे लिख दूंगी, आप चेक कर सकते हो कितना पुराना है। तो इसका ये पॉपुलर इसलिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसलिए क्योंकि ना इसका जो फ्रंट फेसिंग चर्च का पार्ट है ना सिर्फ वो रह गया, फ्रंट गेट फ्रंट स्ट्रक्चर रह गया, अंदर का चर्च पीछे वाला जो पार्ट है वो है ही नहीं, सिर्फ आगे का पार्ट है चर्च, और लोग वहीं जा जाके उसके साथ फोटोज क्लिक करते हैं। इसको चर्च को बनाया था उसके बाद ना वुडन चर्च बनाया था, उसके बाद इसको रेनोवेट करने की सोचे थे, रीबिल्ड करने की सोचे थे, लेकिन फिर उसमें आग लग गई थी और पीछे का पार्ट पूरा जल गया और उसके बाद उन्होंने बनाया ही नहीं। तो अभी हम सेंट पॉल चर्च जा रहे हैं, उसके आसपास मार्केट भी है एंड वहाँ पर मार्केट है, वहाँ पर भी जाएंगे हम लोग। टोटल 8 डेज की ट्रिप के लिए आए हैं हांगकांग एंड मकाओ, जिसमें से हम मकाओ 3 नाइट्स हैं मकाओ 4 नाइट्स इन हांगकांग, राइट। तो मेरे को लगता है यार जितने भी दिन रह लो कम ही पड़ता, आप एक पूरी कंट्री को घूम ही नहीं सकते अच्छे से। ऑल सेट टू गो। क्योंकि यहाँ पर सारे छोटे छोटे कैफेज हैं, ओल्ड मकाओ मार्केट है। हाय, व्हाट आर यू मेकिंग? इज दिस चिकन और पोर्क? बीफ। ओके, डू यू हैव चिकन आल्सो? नो चिकन। बंस कितने अच्छे लग रहे हैं, ब्रेड्स हैं।
Me too. I haven't seen chicken thighs for $11. Open it down. This is only cheese and bread. Cheese and bread. And this is only chicken. Chicken? Chicken. मेरे को ले ले चिकन लिखा तो है ना तो हमने अभी बेकरी का नाम ही नहीं पता क्या लिखा हुआ है इनको इंग्लिश में भी लिखना चाहिए यार तो इस बेकरी में हम आए हैं ओल्ड मकाओ स्ट्रीट पे मार्केट में और यहाँ से हमने लिया एक तो चिकन अनियन ब्रेड है कुछ है चिकन अनियन ब्रेड और ये है चीज़ ट्रिपल चीज़ ब्रेड मम्मा कैसी है कुछ और तो नहीं है इसमें गुड इट्स गुड दिस वॉज ट्रिपल नहीं दिस वॉज चिकन एंड अनियन रोल अच्छा है बेट $24 का पड़े हुए मेरे दोनों यहाँ पे MOP लिखा हुआ है MOP मतलब क्या है $24 हम तो हांगकॉन्ग डॉलर्स में स्पेंड कर रहे हैं पोर्क No, I don't want to try it out. Thank you. This is pork jerky. Pork jerky. All of this is pork. No, this is pork. Pork. This is beef. The last one is pork. Pork. Okay. Pork. No chicken. No chicken. No chicken. No chicken. Thank you. ये लो हम दुबई में आ गए मम्मा दुबई वेलकम टू दुबई कितनी दुबई चीज हाय व्हाट इज इट इट्स अ कुकी इट्स अ कुकी आई एम अ बिस्किट इट्स अ बिस्किट ओह गुड वन थैंक यू Can I have one more? Very nice. Very nice. Thank you. यहाँ पर टेस्टिंग में बहुत सारी चीजें मिल रही है जो हम ट्राई कर रहे हैं ये कुकी मिला है क्राउड है यहाँ पर वीकडे पर भी गाइज हम चर्च में पहुंच गए हैं दैट्स द चर्च गाइज चर्च का आगे वाला पार्ट वीकेंड हो वीकडे हो यहाँ पर हमेशा भीड़ ही रहती है सुना था मैंने एंड दैट्स राइट काफ़ी भीड़ है यहाँ पे मैं ट्राई करी थी पिक्चर्स लेने के लिए बट सोलो पिक्चर ही आना मुश्किल है यार ऐसा लग रहा है ग्रुप पिक्चर ही आ सकती है यहाँ पे ये है पूरा चर्च मतलब चर्च क्या चर्च का सिर्फ फ्रंट पार्ट है मतलब कितनी शॉकिंग और अजीब बात है वियर्ड सी बात है ये कि चर्च है ही नहीं पूरा सिर्फ बाहर वाला पार्ट है इसका ये अंदर से है जो चर्च हुआ करता था अभी तो ओपन स्पेस है जिसको मेंटेन करा हुआ है रूम्स ऑफ सेंट पॉल
सो यहाँ पर ना ये पूरा दिखाया हुआ है कि कैसे था ये चर्च 1834 में पूरा चर्च बिल्डअप हुआ, फिर 1875 में ये ऐसा हो गया, 1890 में इट वॉज लाइक दिस, इट लुक लाइक दिस, 1930 में दिस इज हाउ इट लुक, सेम ही तो लग रहा है, और 1970 में इसका पीछे का पार्ट नहीं था। अच्छा यहाँ पर भी पीछे का पार्ट, हाँ यहाँ पे साइड का पार्ट है, यहाँ पे ये पूरा बना हुआ है, यहाँ पे इसका साइड का पार्ट है, यहाँ पर ये सब है, अंदर का नहीं है, यहाँ पे साइड का नहीं है, और यहाँ पे साइड का भी चला गया, पीछे का तो है ही नहीं। सो 1970 से ये ऐसा ही है चर्च सेंट पॉल। माता जी इधर है, पिताजी इधर, किधर है, सिर्फ सिर्फ मेरी वीडियो के लिए हाय करते थे, वैसे हाल हाय हाय वाले हो रहे हैं सबके यहाँ। गाइस हम इस चर्च से बाहर निकले और हमें यहाँ पर आना था, और हम गूगल मैप फॉलो करते करते पूरे नीचे से घूम के यहाँ आए, हम यहाँ से भी आ सकते थे। ओ मैन, अब चलते हैं यहाँ पे, अब हम जा रहे हैं किसी इंडियन रेस्टोरेंट में, लेट्स सी मिलता नहीं मिलता। फाइनली आ गया भाई सागर रेस्टोरेंट, कहाँ से है एंट्री। गाइस फाइनली सागर रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं, गलियों गलियों से ढूंढ ढूंढ के, इंडियन खाना ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, छोटा सा एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, इतनी सी सीटिंग है, और यहाँ पर भी ना वेज ऑप्शंस लाइक डोसा है बट उसमें सांभर नहीं है, डोसा तो ये हमने यहाँ पे डोसा है वेज में ऑप्शन में, अदरवाइज नॉर्थ इंडियन मिल जाएगा यहाँ पे, नॉन वेज चिकन, मतलब चिकन तो यहाँ मिल जाएगा, वेज में यू हैव फ्यू ऑप्शंस, डोसा है, नूडल्स हैं, और हमने क्या ऑर्डर करा है, चिकन स्टीम मोमोज, दे आर सेइंग बहुत पॉपुलर है इनके, तो वो ऑर्डर करे हमने चिकन स्टीम मोमोज, $35 के हैं यहाँ पे चिकन स्टीम मोमोज, तब इधर उधर से खा लो जब तक इंडियन खाना नहीं खाओ पेट नहीं भरता है। चिकन स्टीम मोमोज लुक्स रियली डिलीशियस, और यहाँ पे पता नहीं येलो कलर की चटनी मिली है, कुछ डिफरेंट है, मस्टर्ड पता नहीं कैसी है, वैसे तो रेड कलर की होती है, यहाँ पे येलो, मम्मी को लगा सांभर आ गया मम्मी का। हमारे वहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली में रेड कलर की रेड चिली जो होती है ना उसकी चटनी होती है, गार्लिक एंड रेड चिली चटनी येलो बादाम वाली चटनी जूस और यहाँ पर आप लोग आ सकते हो। थैंक यू, ओ थैंक यू सो मच। पापा
दिस इज वेयर वी आर गोइंग राइट नाउ. मेरी बैटरी बहुत कम बची है पर मकाऊ टावर में जा रहे हैं. यहाँ पर हाई टी बुकड है हमारी.